अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और कढ़ाई की वैरायटी। इसका नाम है लहसुन चिकन कढ़ाई। तो इसके लिए आपको चीज़ें चाहिए। सबसे पहले चिकन के पीसेज यहाँ पर मैंने करवा रखे हैं। 1 किलो की चिकन है और 12 से 16 टुकड़े आप करवा सकते हैं। 1 किलो के साथ आपको टमाटर फ्रेश ग्राइंड किए हुए चाहिए होंगे, 1/2 किलो। लहसुन बीच में फ्रेश जाएगा, ठीक है, गार्लिक जो होता है तो वो आपको 1 टेबल स्पून भरकर चाहिए, उसको क्रश कर लीजिएगा। तो दैट्स गार्लिक। टमाटोज भी यहाँ पर हो गए। ग्रीन चिली आपको चाहिए, स्पाइसी वाली है, 3 से 4 दफा आप इसको रफली चॉप कर लीजिएगा। कुटी हुई काली मिर्च, जस्ट क्रश्ड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून चाहिए। सॉल्ट हो गया, नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च आपको चाहिए 1 टीस्पून लेवल्ड, क्यूमन सीड्स यानी कि जीरा भुना और कुटा हुआ है तो ये वो हो गया। आपको चाहिए 1 टीस्पून हल्दी, आपको चाहिए टर्मरिक 1/2 टीस्पून, फ्रेश लेमन जूस आपको चाहिए होगा अबाउट 2 टेबल स्पून। तेल में बनाएं, घी में आपकी अपनी चॉइस है। इसमें एंड में हम हरा धनिया भी डालेंगे। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना कैसे। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहले हम तेल को आप कर लेते हैं गर्म और उसमें जो है आपने लहसुन डाल देना फ्रेश और फ्लेम आप हाई पर रखेंगे। सिर्फ इतना करना है कि एक मिनट इसको दे दें, जरा अच्छे से बीच में फ्राई हो जाएगा और फिर इसके बाद इसे हम चिकन वगैरह ऐड करते हैं। तो पहले इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। 1 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेने के बाद इसमें आपने चिकन ऐड कर लेना है और चिकन ऐड करने के बाद फ्लेम हाई पर रखेंगे दोबारा और अच्छी तरह आप चिकन को यहाँ पर फ्राई होने देंगे यहाँ तक कि जो चिकन का रंग है वो पिंक से वाइट की तरफ आ जाना चाहिए। और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें आप तमाम चीज़ें यहीं पर ऐड करेंगे। इसमें चला गया टमाटर ग्राइंड किया हुआ, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, भुना कुटा जीरा, कुटी हुई काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स कर लेने के बाद, क्योंकि जो हमने इसमें टमाटर डाले हैं ये काफ़ी रहेंगे और साथ ही साथ क्योंकि हमने चिकन को सिर्फ इतना फ्राई किया कि उसका रंग चेंज हो जाए तो बीच में चिकन ने भी काफ़ी पानी जो है छोड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई इशू होता है इसको यहाँ पर कुक करने के लिए तो आप थोड़ा सा पानी तकरीबन 1/2 कप या 1 कप जितना पानी डाल करके इसको कुक कर सकते हैं। तो बस ये आप इसे कवर करेंगे, फ्लेम हाई पर रखेंगे। आपको बहुत दफ़ा बताया है कि जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर आपने इतना कुक करना है कि चिकन कम्प्लीटली डन हो जाए और तेल सरफेस पर आ जाए। तो देख लें चिकन कम्प्लीटली डन हो गया है और जो ये कढ़ाई होती है बिल्कुल ड्राई नहीं बनती, बाकी आपकी आपकी चॉइस है अगर आप इसको बिल्कुल खुश करना चाहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है लिक्विड रहने देते हैं। तो अब आपने इसमें जो है हरा धनिया ऐड कर देना है, लेमन जूस जाएगा, हरी मिर्चें, मिक्स कर लें और इसको दम पर रख दें फॉर अबाउट 4 मिनट्स बिल्कुल लो आँच पर और फिर इसको डिश आउट करते हैं। इसी के साथ इस कढ़ाई को बनाते हैं, साथ में आप इसको सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म रोटियां हो जाएं या नान, वो आपकी अपनी चॉइस है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि इंग्लिश में होती है वो आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर, जिसको cookwithfaiza.net पर। और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों ने मेरा फ्री ऐप भी डाउनलोड कर लिया होगा। तो ज़रूर बनाइएगा, ताको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।